और महाकाल की नगरी उज्जैन में राजघाट पर आज नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। राजघाट पर आज एक साथ 14 लाख दिए जलाए जाएंगे। दिए जलाने के लिए उज्जैन के 3,500 बच्चों की मदद ली जा रही है। इस दौरान घाटों पर 11,000 दियों के 128 सेक्टर तैयार किए गए हैं और इसमें अब महाशिवरात्रि पर महादीपोत्सव की झलक देखने को मिलेगी। राजघाट पर 14 लाख दिए जलाए जाएंगे। तस्वीर बहुत भव्य होगी। दिए जलाने के लिए 128 सेक्टर बनाए गए हैं और 3,500 बच्चों की मदद उज्जैन में यहां पर ली जा रही है। इसमें लगभग 3,500 बच्चे हैं, उनके साथ उनके शिक्षक भी हैं। लगभग 60 स्कूल हैं इसमें सम्मिलित। स्वयं सेवक वॉलंटियर की तरह वो यहाँ पर दीप प्रज्वलन करेंगे और पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित रहेंगे। हमको एक सेक्टर मिला है, उसमें 11,000 दिए हैं और उसमें से एक ब्लॉक में 225 दिए हैं। हम शाम को प्रज्वलित करेंगे और इससे पहले अयोध्या में जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया था उसके बाद अब हमारा उज्जैन में आएगा। अब उज्जैन ने ये मौका बनाया है कि हमारा नाम भी दुनिया में छाएगा इस नाम से कि आज रामघाट पे कुल 14 लाख दिए जलाए जाएंगे। यहाँ पर हमें सेक्टर मिला है C26 जिसमें टोटल 11,000 दिए हैं और एक सेक्टर में पर्टिकुलर एक ब्लॉक में 225 दिए हैं जिन्हें हम आज प्रज्वलन करने आएंगे। तो राजघाट पर 14 लाख दिए जलाए जाएंगे। 128 सेक्टर बनाए गए हैं, 11,000 दियों के। आपको बता दें स्कूली छात्र छात्राओं की यहां पर मदद ली जा रही है इस भव्य कार्यक्रम में तैयारी करने के लिए। दीपोत्सव में 3,500 स्कूली छात्र मदद कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं घाटों की, शिप्रा नदी के घाट पर ये तैयार किया गया है, सजाया गया है दीपों को और शाम सूर्यास्त के बाद इन दीपकों को जगमगाया जाएगा, प्रज्वलित किया जाएगा। आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहां पहुंचेंगे और दीपक जलाएंगे। 14 लाख दिए एक साथ राजघाट पर जलाए जाएंगे, प्रज्वलित किए जाएंगे। दिए जलाने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए 128 सेक्टर तैयार किए गए हैं। 11,000 जो है दिए वहाँ पर एक साथ एक सेक्टर में रखे गए हैं। ऐसे 128 सेक्टर तैयार किए गए हैं। उज्जैन के तमाम स्कूलों के छात्र छात्राओं की मदद यहां पर ली जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खुद यहां पहुंचेंगे। और उज्जैन चलेंगे, हेमंत शर्मा से बात करेंगे। हेमंत, किस तरह की तस्वीर वहां पर आप देख पा रहे हैं, पहले तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, चूंकि आज अयोध्या वाली दिवाली महाशिवरात्रि पर उज्जैन में होने वाली है। बिल्कुल, मैं उज्जैन के रामघाट पर हूँ जहाँ का आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि रामघाट पर दियों की जो लड़े हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। 14 लाख के आसपास जो हैं वो यहाँ पर दिए लगाए गए हैं। देखिए, महाकाल मंदिर पर अगर बात की जाए तो मंदिर पे 51,000 दिए लगाए गए हैं। महाशिवरात्रि का पर्व इस बार उज्जैन नगरी में एक खास तरीके से यहाँ पर दीप उत्सव मनाया जा रहा है जिसे ज्योति अर्पण महाउत्सव का नाम दिया गया है और 21 लाख पूरे उज्जैन में दिए यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए, यहाँ पर प्रत्येक घर से जो है वो 5 दियों के लिए शपथ पत्र भरवाया गया था इंदौर नगर, यहाँ उज्जैन नगर निगम के द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से इस तरह के 100 जो है दियों के अलग अलग 200 से ज़्यादा प्रत्येक उसमें रॉ बनाई गई हैं, जो 200 रॉ के आसपास यहाँ पर बनाई गई हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए पूरे रामघाट की तो ये रामघाट जो है दीपक से पूरा जगमगाने वाला है और यहाँ का जो माहौल है वो एक बहुत अलग माहौल यहाँ पर होने वाला है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करेंगे। और अयोध्या में जो 9,41,000 दीपक जलाकर वहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, आज उसका 21 लाख दीपक जलाकर यहाँ पर उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक किया जाएगा। अलग अलग जगह से यहाँ पे वॉलेंटियर्स यहाँ पर व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। अगर मैं उज्जैन नगरी की बात करूँ तो यहाँ पर उज्जैन में, पूरे उज्जैन में 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे। प्रत्येक घर के अंदर आज जो है दीपक से उजाला होगा और जो रामघाट है इस रामघाट पर 14 लाख के आसपास जो ये दीपक लगाए गए हैं वो तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। आपको मैं एक और नज़ारा आगे का भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर जिस ओर आप रामघाट पर देखेंगे सिर्फ दीपक ही आपको नज़र आएंगे और पूरे घाट के ऊपर अलग अलग जगह दीपक को लगाने की पूरी तैयारी की जा रही है। 6 बजे से इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया जाएगा और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुँचेंगे और उज्जैन में पहुंचने के बाद इस कार्यक्रम का जो है वो आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे और दीपक जलाकर इस उत्सव को मनाएंगे। जी हेमंत, तैयारियां क्या पूरी कर ली गई है या अभी कुछ कसर बाकी है, तैयारियां की जा रही है?
देखिए बिल्कुल, अभी जो दीपकों को लगाने की तैयारियां हैं वो यहां पर की जा रही है। कुछ समय में तैयारियां भी पूरी हो जाएगी, जब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 बजे तक यहां पर पहुंचने का जो समय है उनका वो रखा गया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके पहले अयोध्या में पिछले साल 9,41,000 दीपक जलाए गए थे, इसका गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। अब उज्जैन में जो है ये 21,00,000 दीपक लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचेंगे, तैयारियां जो है वो लगभग यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जी हेमंत, जरा बात करने की कोशिश कीजिए, घाट पर जो लोग मौजूद हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, उन छात्रों से बात करने की कोशिश कीजिए, जो श्रद्धालु आए हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, किस तरह का माहौल, किस तरह की आस्था उनके अंदर है आज। बिल्कुल, यहां पर हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो लगातार दीपकों को लेकर यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं। किस प्रकार की तैयारियां जो है आप यहाँ पर कर रहे हैं? कितने दीपक आप जलाए? अभी चलाए नहीं, अभी तो फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। वॉलंटियर्स यहाँ पर जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। वॉलंटियर्स अलग अलग जो जगहों पर दीपक जला रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? सर हम माधव साइंस कॉलेज से आए हैं। कितने दीपक जलाने का लक्ष्य आपको पता है? सर 100 दीपक जलाने का लक्ष्य हमारा। और कितने लोग जो है आपके साथ हैं? मेरे साथ आयुषी है, दोनों हम दोनों ग्रुप पार्टनर हैं। तैयारियां पूरी कर ली सर, सुबह 12-11 बजे से कर रहे हैं। तो 12 बजे से देखिए तैयारियां जो है वो यहां पर की जा रही हैं, तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं और बस अब इंतजार है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पहुंचने का यहां पर इंतजार है। जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचेंगे और दीप उत्सव यहां पर जलाना शुरू कर दिया जाएगा। जी हेमंत, तैयारियां तो पूरी कर ली गई जैसा आपने बताया, इसके बाद जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच जाएंगे उज्जैन, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? क्या पहले महाकालेश्वर के मंदिर जाएंगे, आरती पूजन करेंगे, उसके बाद में रामघाट पर आके दीप प्रज्वलित करेंगे, किस तरह की तैयारियां, क्या कार्यक्रम? देखिए सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचेंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, इसके बाद में मंदिर के आसपास में जो कॉरिडोर बन रहा है उस निर्माण का जायजा लेंगे। जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधा रामघाट पर यहां पर पहुंचने वाले हैं और यहां पर जो मंच बनाया गया है उस मंच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचकर यहां पर दीप उत्सव की शुरुआत करेंगे। दीपकों को जलाने का काम जो है वो यहां पर शुरू किया जाएगा। लगभग 7 बजे तक यहां पर इस घाट पर 14,00,000 दीपक जला दिए जाएंगे। साथ ही जो मंदिर के अंदर 51,000 दीपक लगाए गए हैं उन दीपकों को भी 51,000 दीपकों को जलाने का वहां पर जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो उज्जैन जो है आज पूरा दीपक से चमकने वाला है। जो दीपावली है, दीपावली सा उत्सव उज्जैन के अंदर दिखने वाला है, एक अलग ही नज़ारा जो है शाम का वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी हेमंत, चूंकि आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, श्रद्धालु कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए? हाँ देखिए, अभी रामघाट पर आम श्रद्धालुओं के लिए जो है वो रास्ता भी रोक दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो तैयारियां हैं उसके लिए यहाँ पर अलग अलग जगह से वॉलंटियर्स आए हुए हैं जो यहाँ पर दीपों की तैयारियां कर रहे हैं। इसके बाद में दीप उत्सव जलाने के बाद में यहाँ पर जो है आम लोग पहुँच पाएंगे। जब दीप जल चुके होंगे तब यहाँ पर आम लोग पहुँचेंगे, श्रद्धालु पहुँचेंगे। तो मैं आपको दोनों ही घाट का एक नज़ारा दिखाता हूँ। ये हम रामघाट का एक साइड का नज़ारा देख रहे हैं जी। अगर हम सामने की तरफ का नज़ारा देखें तो वहाँ पर जो स्कूल के छात्र हैं वो अपने अपने सर्कल में दीपक लगाने का काम जो वो वहाँ पर कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से कर ली गई हैं और तैयारियों को लेकर यहाँ का जो जायजा है वो मंत्री मोहन यादव ने लिया था और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर में उज्जैन पहुंचने वाले हैं और वो उसके बाद में मंदिर में दर्शन करने के बाद रामघाट पहुंचेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद शर्मा तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में आज महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में महाशिवरात्रि की धूमधाम साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 21,00,000 दिए पूरे उज्जैन में आज जलाए जाएंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।